खाने की वजह से हुई मारपीट। और जो है वो वहाँ से आए कि इतना खाना कम क्यों बनाया है, तो मैंने कहा इतना ही बनाया है खाना। वो आए सास नंदे फोन की कि जो ने इतना कम खाना बनाया। वो वहाँ से आए वो हमको मानने लगे कि जो ने, और इसलिए मामू उनको खसम बताते हैं कि खसम है, तो उनके मामू लोग खसम है। और जो ने उनकी उनकी पुरानी मतलब लड़ाई थी, अब वो लोग जो ने ये कहते वो मेरे साथ कसर निकालते थे। अब क्या चाहती हो आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं कि मेरे साथ भी इंसाफ मिले। मेरे माँ बाप माई हैं, खाली बाप हैं भी नहीं, छोटे भाई बहन हैं और सब बम्बई में हैं। पैसा कौड़ी कहते थे लाओ जाके घर से, गाड़ी दो, फ्रीज दो, फ्रीज नहीं मिली, कूलर नहीं मिला है, ये दो, तो कहाँ से लाए मेरे खुद। क्या मारने पीटने के बाद आपको तलाक दे दिया गया? हाँ, मारा पीटा, फिर हमको तलाक दे दिया कि तलाक दे रहा, तलाक दे रहा, तलाक दे रहा। हाँ, घर से भगा दिया। आप थाने गई थी आप? हाँ गए थे कोतवाली। फिर क्या हुआ, कुछ सुनी गई आप? वहाँ से मुकदमा दायर कर दिया। अभी आपकी कोई कार्रवाई नहीं? अभी कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते? 9 साल तक उसको मारा पीटा, दहेज के लिए परेशान किया, दहेज लाओ ये लाओ, घर वाले सब मिलके ताने मारते, चैन से जीना नहीं दिया, हमेशा सताते थे पैसों के लिए। दहेज के लिए पैसे भी दिए मैंने, 2000, 5000, 3000 ऐसे करके उधार भी ले गए। 21 मार्च को खाने के पीछे विवाद हुआ, वो पी के शराब पता न क्या किया, उसने 3 तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया। पहले मारा बहन नंद ने, सास ने, सबने, और घर से निकाल दिया। और बच्चों को सब छीने ले ले, बच्चे 1-2 को लेके आए, एक वही लड़की है, बोल रहे हैं बच्चे नहीं देंगे, और जो थाना पुलिस करोगे तो जान से मार डालेंगे, बहन लोग को धमकी दे रहे हैं। और हमारा होगा क्या?